कि आज एक टैक्स के इलेक्शन का मुद्दा आया था, उसके अंदर ये बात आई थी कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको भी वोटर दिखा के उनकी वोट को काउंट किया गया। और दूसरा मुद्दा था जो डिफॉल्टर आदमी है वो कभी वोट का राइट उसके पास नहीं रहता, जो डिफॉल्टर आदमी है वो तो जांच का विषय है कि उनको वोट करवाया गया नहीं करवाया गया, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है अगर उनको भी वोट का राइट किसी और के माध्यम से दिखा के ये फर्जीवाड़ा इलेक्शन में हुआ है। तो मैंने जो मौके के ऊपर जब प्रोसेस शुरू हुई इलेक्शन की, जो उस समय मैनेजर और जो उनके सहयोगी थे उन दोनों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और ऐसे एक डिपो का मामला आया है, अब पब्लिक से जिस प्रकार से उन्होंने बदतमीजी की, तो ये नायब जी की जनता की सरकार है और इसके अंदर कोई जनता से बदतमीजी नहीं कर सकता। ये हरियाणा की एक ऐसी आगे नए बढ़ते हुए हरियाणा की सरकार है, जनसुनवाई के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। जनसंवाद के माध्यम से मनोहर लाल जी ने इस काम को शुरू किया और आज भी अगर जनता के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार एक डिपो वाले का होगा तो उसका डिपो भी मैंने तुरंत सस्पेंड करने का जो है आदेश दिया है डीएफएस साहब को और दूसरे साथ के गाँव से इतनी देर वो इंक्रीज करेंगे।